जेल में हुई रामलीला तो बानर का किरदार निभा रहे कैदी छलांग लगाकर जेल से वो फरार, कुछ नहीं कर पाई पुलिस। माता सीता को ढूंढने निकले थे बानर बने कैदी, ऐसे निकले कि अभी तक खोज रही पुलिस। अब रामलीला में कैदियों को बानर बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे यूपी की पुलिस, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा हुआ। योगी के यूपी में फिर से गजब हो गया साहब, यहाँ जेल के अंदर ही ऐसा कांड हो गया कि पूछो मत। दरअसल 2 कैदियों ने जेल के अंदर ही पुलिस को चूना लगा दिया और रातों रात जेल से फरार हो गए। लेकिन जेल से भागने का जो तरीका उन्होंने अपनाया वो सच में कमाल है। सब जानते हैं कि दिवाली से पहले जगह जगह रामलीलाओं का कार्यक्रम होता है, उसी के तहत जेल के अंदर भी रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पुलिस ने 2 कैदियों को राम की सेना में बानर का रोल दे दिया और कहा जाओ माता सीता को ढूंढ कर लाओ। फिर क्या, कैदियों ने माता सीता को तो नहीं ढूंढा बल्कि खुद छलांग लगाकर जेल से फरार हो गए। अब ये मामला हर तरफ चर्चाओं में है। बता दें जेल में रामलीला के दौरान कैदी के फरार होने का मामला हरिद्वार की जेल का है। शुक्रवार की शाम जेल के अंदर ही रामलीला हो रही थी। जैसे ही जेल अधिकारी रामलीला में मग्न हो गए, 2 कैदी मंच से खिसक कर जेल परिसर में एक निर्माण स्थल पर चले गए और एक सीढ़ी के सहारे दीवार कूदकर वहां से भाग निकले। जानकारी के मुताबिक ये दोनों कैदी रामलीला में राम की सेना वानर का रोल निभा रही थी। सीता की खोज के बहाने एक्टिंग करते हुए दोनों जेल से फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि एक कैदी पंकज हरिद्वार के रुड़की का रहने वाला है और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वहीं दूसरा कैदी राजकुमार उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है और किडनैपिंग के एक केस में विचाराधीन कैदी था। हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट कमेंद्र सिंह ने कहा है कि जेल प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती गई, विभागीय और मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। जेल अधीक्षक छुट्टी पर थे और जेलर की जिम्मेदारी थी कि वह रामलीला में व्यस्त होने के बजाय अपना काम करे। जेल से फरार होने वाले कैदियों की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन जेल से कैदियों के इस तरीके से भागने का ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट।